नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा, स्वागत है आपका चुनाव टीवी में। तय नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डोडा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां वार्ड नंबर 1 पर बिजली के खंभे से करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। जिस स्थान पर बिजली का पोल लगाया गया था वह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग और बच्चे गुजरते हैं। हर एक की जान खतरे में है अगर सरकार इस मामले पर गौर नहीं करेगी। तो देखिए अनन्या ठाकुर की रिपोर्ट। जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि कल वार्ड नंबर 13 में एक बहुत ज़बरदस्त करंट थी और जिसमें एक गाय बेचारी मर गई। कम से कम 50,000 की गाय थी, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम आपके माध्यम से इन गाय वालों से, लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर उन्होंने कम से कम माल रखा है तो कम से कम इस माल को संभालो, इसको तो बाज़ार में छोड़ना नहीं चाहिए। हमने बहुत बार आपके माध्यम से टाउन वालों को, म्यूनसिपलिटी वालों को बताया कि ये कम से कम इस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बाद में ये एक दो दिन करते हैं, दो दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं। देखो, गाय काल अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा आता, सुकून का बच्चा या और कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, तो हम ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। पहले भी किया था, हम बहुत खुश हैं कि डीसी साहब बहुत अच्छे आए हमें यहाँ। हमें उम्मीद है कि आप ये इसका भी एक्शन लेंगे। कम से कम इनको चाहिए कि ये जो गाय हैं इनका कोई चारा करें, अगर नहीं है जोरा तो बेच दें, तो कहीं घास खाएंगी बेचारी, अगर है जोरा तो कम से कम घरों में रखें। कम से कम देखो कि जम्मू में इस वक्त भी अगर बाज़ार में चलोगे तो कम से कम 100 से ऊपर गाय आपको आवारा चलती फिरती नज़र आएंगी। तो ये भी गंद की वजह भी यही होती, कितने बेचारे ये सफाई कर्मचारी हैं ये भी लगे रहते हैं, इन्हीं डंगरों की वजह से गंद पड़ी रहती है। दूसरी मैं बिजली वालों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके जो लाइन मैन हैं कम से कम वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दें। देखो कि अगर कल कोई इंसान होता, कोई बच्चा होता तो कितना बड़ा नुकसान होता है। तो ये भी गाय, ये भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम इसमें भी जान है। ये सोचना अगर हम अभी नहीं सुधरे तो कल ये मतलब इंसान भी मर सकता है। ये बिजली वालों को भी सोचना चाहिए। खास करके हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक्शन लिया जाए इसके बारे में कि ये करंट क्यों आई, ये डंगर क्यों बाज़ार में चलते हैं, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे डीसी साहब के अंडर। और ये नहीं मैं कहता हूँ कि डीसी साहब काम नहीं करते, डीसी साहब बहुत अच्छे ईमानदार आदमी आए हैं और हमें मतलब पूरी उम्मीद है कि वो इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। बिजली डिपार्टमेंट लोग चुना ही तो ना, ऐसा अगर इंसान लेके काट जाएगा तो मन खिलाती है ना आवाज़ तुम ना, ये जन जानवर अगर देखे ऐसे इंसान का लोग उठ बचे से गुजारे कैसे तो मन खिलाती है ना, पर कहाँ कार्रवाई करना। मैं जो सुख सोरी प्रूफ तार इस गड़ रमिस कुन छुए हम से पाचे से से त्रे त्रे जन वेट बाटन जल्दी जल्दी कारण चत कलो सर से या तैर जो सब बतान बिकी मैं आज चलो ये शौक जानवर अगर इंसान है इस गड़ तेरे मुंह कोस ऐसे ना इस गड़ तेरे आवाज आप किला। जिला रामबन में एसपी आईआरपी 16 बटालियन अनु शर्मा ने आज शिक्षा विभाग रामबन के तत्वाधान में पर्यावरण हेमकृष्ण मॉडल हाई स्कूल गोविंदपुरा मेहता रामबन में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डीएसपी ने छात्रों को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए स्कूल प्रबंधन की सराहना की। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की एक खास रिपोर्ट। मानवी ठाकुर एंड मानवी देवी को क्लास 3rd। बड़ा शुक्रिया करूंगा कि मेरी पंचायत में एक अच्छा स्कूल है और जो हर साल वार्ड लेता है। बारे में बहुत अच्छा था, इसमें बच्चों ने काफी मेहनत की है। अदर टीचर्स कॉलेज दैट वी आर होस्टिंग दिस साइंस एग्जीबिशन इन फ्रंट ऑफ यू, यू केम हियर एंड टू part in our exhibition, it is a privilege for our school
Now it is time for me to declare the result of science exhibition. I will name students from third to first. First of all, I would like to call फर्स्ट ऑफ वो प्राइज जो है हमारे बच्चों को प्रदान करें और अपने कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मॉडल साइंस एग्जीबिशन में यहाँ पे हमारी पंचायत वार्ड नंबर ए दो में जो प्रोग्राम होता है हुआ जो इसके लिए जो साइंस एक्सपोजिशन के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम रखा था इनके बच्चों को जो प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल के बच्चों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं कि ये बच्चे जो है यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आर्ट टीचर्स को बधाई देते हैं कि ये जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत ही चीज़ों का जो अवेयरनेस करते हैं इसके लिए हम अपनी प्रिंसिपल मैडम को दिल तहे दिल से बधाई देते हैं। जिला डोडा में लोगों तक पहुंचने और उनके दरवाजे पर शिकायतों को हल करने के अपने प्रयास में और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष पहल में एक भाग के रूप में जिला प्रशासन ने 5 अलग अलग स्थानों पर ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किए। जिला विकास डीसी विशेष पाल महाजन ने अस्सर प्रखंड के पंचायत बुलंदपुर में जन शिकायतों को सुना। डीडीसी ने शासकीय हाई स्कूल बुलंदपुर का भी दौरा किया और छात्रों एवं कर्मचारियों से बातचीत की। बनिहाल में भारतीय सेना द्वारा ग्राम शिक्षक बनिहाल में आयोजित किया गया विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई जिसमें 13 टीमों ने भाग लिया। तो देखिए महारान वानी की ये रिपोर्ट। आखिर को बाल देना उसको इधर चढ़ाना था उसको उधर चढ़ाए आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।